अभी हाल ही में एक सवाल मैंने बताया, एक दूसरा सवाल भी बताया है उसी के आधार पर। अगर हमारा थ्री वन बटे टू प्लस थ्री यानी डबल थ्री हो रहा है बटे टू प्लस थ्री यानी तीन थ्री हो रहा है बटे टू प्लस यहाँ थ्री 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 तीन यानी चार, तो हम बता रहे हैं यहाँ एक थ्री है यहाँ दो थ्री है यहाँ तीन थ्री हो गया यहाँ चार थ्री हो गया। तो बड़ा देखना है सबसे अधिक जो भी थी एक ही आसान ठीक है सबसे आसान यानी सबसे छोटे बड़ा देखना बड़ी संख्या यानी चार थ्री है चार थ्री है। फिर उसके बाद क्या तीन थ्री तीन थ्री जो भी थी ठीक है ये जोड़ने के ठीक है और यहाँ दो तीन और यहाँ एक तीन आपको दस कर और जोड़ने के लिए कितना तीन छः तीन नौ तीन चार यानी बारह चार दो एक तीन छः तीन नौ एक दस दस से शून्य दस से तीन तीन छः तीन जोड़ने सात अब तीन पे तीन है ठीक है ये हमारा हो गया। अब बच रहा क्या यानी आधा 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 का बच रहा। तो जब आधा एक बटे टू होता है आधा का एक बटे टू इसका भी क्या आधा आधा एक बटे टू प्लस एक बटे टू प्लस एक बटे टू ठीक है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं इसको इस पर यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा प्लस प्लस फिर आधा आधा जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा। तो जब जो एक एक जोड़ने पर हमारा हमारा दो आ गया। अब दो हम इस पे इसी संख्या पर जोड़ लेते हैं दो दो चार जीरो सात तीन ये हमारा सवाल सही हो गया।